यूपी से बड़ौदरा तक हाई प्रोफाइल सियासी जंग लड़ी जा रही है। राहुल के गढ़ में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश में है। अमेठी में इस वक्त अमित शाह, स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी की मेगा रैली चल रही है। वहीं राहुल गांधी आज बड़ौदरा में है। बड़ौदरा से राहुल गांधी ने पहले संघ पर निशाना साधा। छात्रों से संवाद में राहुल ने कहा कि संघ महिला विरोधी है। फिर उन्होंने ट्वीट कर अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी निशाना साधा। इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में बोल रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। हो जाना, क्योंकि बिचौलिया प्रथा तो कांग्रेस की देन है इस देश को। उन्होंने इस बिचौलिया प्रथा को आजादी के बाद से जो प्रश्रय दिया, वो आते आते उसकी सबसे ज्यादा चोट अगर कहीं पहुंची है तो अमेठी और रायबरेली इसकी चपेट में सर्वाधिक रही है। हम लोग सुनते थे अमेठी और रायबरेली के बारे में, और आज जब यहां पर बहन स्मृति ईरानी जी ने आप सबको बताया गोमती जी के कटान से कैसे यहां पर दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे थे, कभी नहीं सोचा इन गरीबों के बारे में, उन गांवों के बारे में, उन किसानों के बारे में जिनकी जमीनें कट रही थी, कभी नहीं इन्होंने कोई योगदान दिया। ये लोग प्रदेश की सत्ता में भी थे, केंद्र की सत्ता में भी सर्वाधिक दिन रहे, लेकिन कभी नहीं हुआ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मंत्री के रूप में। भले ही अमेठी में वो अब उस प्रकार का परिणाम लोकसभा चुनाव में न मिला हो, लेकिन तब भी यह साबित किया है स्मृति जी ने कि सचमुच वह यहां की बहन है, और एक बहन का दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने यहां पर यहां की समस्याओं को लेकर के कटान को कटान अवरोधक कार्य को तत्काल प्रारंभ करने से लेकर के इस सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर हड़पने की जो साजिशें हो रही हैं, ये साजिश हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये पुराने संस्कार हैं, कहीं पर दामाद जमीन हड़पे और कहीं पर पुत्र ही जमीन हड़पने का कार्य करे, या उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं चल पाएगा, ये नहीं हड़पने दिया जाएगा। किसानों की जमीन होगी तो या तो उद्योग लगेगा या किसानों को वापस होगी। इसको हम किसी फाउंडेशन या किसी परिवार की पकौती नहीं बनने देंगे, और किसान को और आम नागरिक को भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आने देंगे। और इसलिए बंधु, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपको आश्वस्त करने के लिए, आखिर ये बुनियादी सुविधाएं यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को, यहां के नागरिकों को कब तक प्राप्त होगा। ये जमीनें यहां के किसानों ने इसलिए दी थी यहां का नौजवान रोजगार पाए, पलायन की समस्या का समाधान हो, यहां पर उद्योग लगते। लेकिन आज जब सड़क बनने की बात आती है, या तो केंद्र से मोदी जी पैसा देते हैं, या तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पैसा देती है तब यहां की सड़कें बनती हैं, जब केंद्र पैसा देता है तब रेल लाइन बनती है, जब केंद्र की मोदी जी की सरकार पैसा देती है तब गांव गांव में बिजली चलती है, और जब मोदी जी की सरकार पैसा देती है और प्रदेश से हम उस पैसे के साथ सहयोग करते हैं तब यहां के गरीबों को आवास मिल पाता है, तब घर घर में गरीबों का शौचालय बन पाता है। आखिर कांग्रेस इस देश के अंदर 55-60 वर्षों तक क्या करती रही, क्या करती रही? न गरीबों को आवास दिया, न गरीबों को शौचालय दिया, न यहां पर बेरोजगारों को रोजगार दिया, और न किसानों की ही सुनवाई कर पाई, और न चिकित्सा के बारे में ही कोई व्यवस्था कर पाई। आखिर फाउंडेशन किस कार्य पे लगा हुआ है? ये फाउंडेशन पर सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती थी, ये पैसा जाता कहां था? और मैं तो स्मृति जी से पूछ रहा था, मैंने कहा कार्यक्रम तो आपने अमेठी का एक महीने पहले तय कर दिया था। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ।